पूर्ण देशभरात दारूबंदीसाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत, याचाच विचार करत ऑल इंडिया व्यसनमुक्तीसाठी ICPF इंटर कलेगेटिव्ह प्रेयर फॉलोशिप यांच्या टीमनं सातत्यानं लघुनाटक साजरं करून लोकांपर्यंत दारू, मोबाईल, गुटखा, गांजा असे अनेक प्रकारचे व्यसन जे आजच्या काळात चालू आहेत त्याला कुठेतरी आळा बसावा यासाठी आपल्या लघुनाट्याद्वारे लोकांपर्यंत संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न ही टीम करत आहे. क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों है? क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं. ऐसे ही आज हॉस्टल में फीस नहीं भर पाया. अगर फीस नहीं भरा तो पता नहीं क्या होगा. बस इसलिए. छोड़ यार, वो सब देख लेंगे. अब बता, तेरे पास कंपनी के लिए कुछ पैसे हैं क्या? पैसे वैसे तो है, मगर फीस भरना था. उसमें भी 1,000 रुपए कम है. वो मिल जाता तो फीस भर देता. अरे यार रहने दे, उसका इंतजाम हो जाएगा. पहले जो है उसे निकाल, एक एक पैक लगाते हैं, फिर हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी. नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ रहा. अरे यार, अरे नहीं, अरे अरे नहीं यार. ओके ठीक है, चलो चलते हैं. तुम भी यार. शराब आपको और आपकी शरीर दोनों को नष्ट करेगी. कई बीमारियों का कारण बनेगी शराब, और फिर अंत में बर्बादी की ओर लेकर जाएगी आपको. क्या जिंदगी है, मस्ती भरी जिंदगी है, अकेलेपन की जिंदगी है. अकेलेपन को मिटाने के लिए शुरू किया था, पर अब मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ. अमित, यह मेरे बस की बात नहीं है. मानव जाति के भविष्य के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है ये नशा. पहली बार नशा सेवन करने वालों को एक नया अनुभव मिलता है. दूसरे चरण में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है. नशीले पदार्थ खरीदने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है. तीसरे चरण में नशीले पदार्थ के बिना जीना दुश्वार हो जाता है. और चौथे चरण में चिकित्सा से कोई लाभ नहीं मिलता. ध्यान रखिए, नशीले पदार्थ अपने उपभोक्ताओं को मृत्यु के भवन में ले ऑक्टोपस है. यात नाशिक जिल्ह्याचे कोऑर्डिनेटर निलेश गायकवाड, कुंजवन माथेव, अभिलाष तिजोमन जोसेफ, बैजू जोसेफ, जोबी जोसेफ, राहुल पिलाई, जिन्सन थॉमस, अल्बिन जोसेफ, अरुण आदि या सादरीकरणात उपस्थित होते. नंदू गवळी, दक्ष पोलीस न्यूज, इगतपुरी.